सो हे देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाँ, आज की इस वीडियो में पोकेमोन जर्नी इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार भाई, वीडियो की लेंथ पे मत जाओ। तो आज से हम ऐसी पोकेमोन जर्नीज के अपडेट्स के एक हफ्ते में एक वीडियो बना लिया करेंगे और उसमें हम हफ्ते के सारे अपडेट्स कवर कर लिया करेंगे। तो हाँ, तुम्हें एक ही वीडियो देखनी पड़ेगी अपडेट्स की, तो भाई देख लो यार, एंड तक देख लो प्लीज़। तो हाँ, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे और सारे अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं तुम्हारे लिए। तो हाँ, अपडेट्स होने वाले जैसे सरीना, ग्रेनिंजा और एस के गलारियन फॉर्म को लेकर। कुछ गलारियन पोकेमोन को भी ऐश अभी मीट आउट करने वाला है और एश के गंगार को एक बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक जी मैक्स फॉर्म मिलेगा और हमको कुछ कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे पोकेमोन जर्नीज में। तो हाँ, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। तो यार प्लीज़ भाई, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख लो भाई, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे तुम्हें पोकेमोन जर्नीज के काफ़ी न्यू अपडेट्स पता चल जाएंगे और ये हमारा अपडेट्स का बड़ा वाला पार्ट भाई पहला एपिसोड है, तो यार सपोर्ट करो भाई। तो विदाउट एनी फर्दर टॉक लेट्स बिगिन। अगर तुमने अभी डार्क कैस्ट के बाद जो म्यूटू का स्टार्ट हुआ था उसे तुमने अगर फॉलो करा है तो तुम्हें पता होगा कि ऐश का लुकारियो और गो के पास इंड्रेस आ चुका है। तो भाई कमाल का है यार भाई, लुकारियो तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और लुकारियो की सबसे ज़्यादा खास बात यह कि ऐश और लुकारियो दोनों बॉन्ड में चले गए हैं। मतलब भाई तुम खुद सोचो यार, ऐश के पास अब एक बॉन्ड लुकारियो आ चुका है और उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मतलब मुझे इसका पहले से एक्सपेक्टेशन थी और ये पोकेमोन जर्नीज का एक माइलस्टोन भी बन सकता है। तो हाँ, और गोका सिंड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तुम्हें पता ही होगा कि सिंड्रेस और लुकारियो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो हाँ, ये थी कुछ क्विक अपडेट। और बात करें तो दूसरी अपडेट की, तो वो है कि तुम्हें यार पता होगा या ना पता हो, गो ने एक इंटरनेटर्स को पकड़ लिया है। अब भाई कमेंट करने से पहले रुक जाओ भाई। तो मतलब गो ने इंटरनेटर्स को पकड़ा था और उसके बाद गो ने इंटरनेटर्स को फिर से रिलीज़ भी कर दिया। प्रोफेसर मंगोलिया ने इंटरनेटर्स को सील कर दिया फिर से। तो हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो मतलब भाई मुझे, मतलब यार तुम सबको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि गो इंटरनेटर्स को पकड़ भी सकता है, पर यार लास्ट में गो ने ही पकड़ दिया। पता नहीं यार क्या कर रही है आजकल पोकेमोन कंपनी, सारे पोकेमोन गो को ही मिल रहे हैं। तो हाँ, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वो होने वाली है ऐश के गेंगार से रिलेटेड। तो हाँ, ऐश के गेंगार को भी बहुत ही जल्दी एक जी मैक्स फॉर्म मिलने वाला है। तो अब भाई GMX मॉग और गेंगार कुछ कॉमन ही है, तो गलार में गेंगार का GMX फॉर्म कुछ कॉमन है, इसलिए ऐश के गेंगार को अभी हाल ही में GMX फॉर्म मिल भी सकता है। और ऐश के पास डायनामिक्स बैंड तो है ही, तो इनमें से कोई भी एक इवोल्यूशन गेंगार को वो दे सकता है। और अगर ये गेंगार ऐश का नहीं हुआ तो ये गेंगार एक नए कैरेक्टर का होगा, उसके कैरेक्टर में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो हाल ही में अभी तुम्हें कुछ नए मर्चेंडाइज आई है ऐश के गेंगार से रिलेटेड, तुम देख सकते हो तुम्हारी स्क्रीन में। यहाँ पर GMX गेंगार हमें देखने को मिल रहा है। अब उस कैरेक्टर की बात करें तो वो हो सकता है एलेस्टर। हाँ, एलेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोस्ट टाइप ट्रेनर है और उसके पास ये गेंगार भी है। और अगर वो गेंगार ऐश का नहीं हुआ तो 100% कंफर्म वो गेंगार एलेस्टर ही का ही होने वाला है। तो बात करें अगले अपडेट की, तो वो होने वाली है सरीना से रिलेटेड। तो सरीना के पोकेमोन की कुछ न्यू लुक्स अभी रिलीज़ हुई है और अभी एक वो क्लिप जो रिलीज़ हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम मर्चेंडाइज को देख लेते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कितनी सारी मर्चेंडाइज है, जहाँ पर हमें पेंचम भी देखने को मिल रहा है, सिल्वियन भी देखने को मिल रहा है। और इस कैलेंडर में तो हमको एक बार सिल्वियन और डेडेने एक साथ देखने को मिल रहा था, जो इंडिकेट करता है कि सरीना और क्लेमोन का रिटर्न हमको बहुत ही ज़्यादा जल्दी देखने को मिलने वाला है। और हाँ, जो अभी हाल ही में क्लिप रिलीज़ हुई है तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये फेक है। तो हाँ, ये फेक भी हो सकती है, क्योंकि जो उस वेबसाइट में उसने कहा था तो वो वेबसाइट अभी हाल ही में रिमूव कर दी गई है। तो शायद ये, या तो ये चेंज हो रहा होगा उसका टाइटल, तुम्हें पता होगा कि उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो उसको शायद से वो चेंज करने के लिए वो वेबसाइट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो सकती है। और अगर वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक नहीं हुई तो ये शायद फेक भी हो सकता है। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 100% कन्फर्म है, लेकिन देख लो भाई, मैंने उसका वो चेंज कर दिया है और मैंने 99% लिख दिया है। तो क्योंकि भाई यार, मतलब तुम खुद सोचो, कोई एक क्लिप सेंड करेगा और उसके उसमें ये भी लिखा होगा कि सरीना का एक एपिसोड है, वो आने वाला है। तो मतलब भाई, मतलब ये कन्फर्म है यार, मतलब 80% ऐसा तुम कन्फर्म कह सकते हो कि सरीना हमें फिर से देखने को मिलेगी उस क्लिप को देखकर। तो हाँ, 80% कन्फर्म है। और अगर वो वेबसाइट फिर से हमको अनब्लॉक करा दी जाती है
तो मैं तो कंफर्म हूँ कि मैं 90% कंफर्म हूँ कि वो वेबसाइट इसलिए ब्लॉक करी है ताकि उसका एपिसोड का टाइटल चेंज कर सके। और हाँ, अगर वो वेबसाइट फिर से अनब्लॉक होगी तो फिर तुम्हें पता, मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा। तो हाँ, अगली अपडेट की बात करें तो वो होने वाली है एश्के केरेनिंजा से रिलेटेड। तो हमको बहुत ही ज़्यादा बार एश्के केरेनिंजा देखने को मिल रहा है, तुम इस मर्चेंडाइज में देख सकते हो। यहाँ पर इतनी सारी मर्चेंडाइज है जहाँ पर हमें एश्के केरेनिंजा देखने को मिल रहा है। तो तुम देख सकते हो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने मर्चेंडाइज चल रही है जहाँ पर तुम देख सकते हो एश्के केरेनिंजा है। और भाई मतलब एक और न्यू लीक आई है जिसमें हमको ये दिखाया जा रहा है कि ऐश एक ट्राइनाटार को भी पकड़ सकता है। हाँ, इसके ज़्यादा जान से नहीं है लेकिन पकड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि लीक्स, यार मतलब लीक्स ऐसा हमको हिंट दे देती है कि फ्यूचर सीरीज़ में क्या होने वाला है। तो बात करें ट्राइनाटार की, तो उसकी भी काफ़ी सारी मर्चेंडाइज हमें देखने को मिल रही है। तो तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी मर्चेंडाइज है जहाँ पर हमें ट्राइनाटार देखने को मिल रहा है। तो हाँ, मुझे तो लगता है कि ट्राइनाटार ऐश पकड़ भी सकता है। हाँ, इसके सारे कंफर्म चांसेस, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% कंफर्म है, लेकिन कुछ ऐसा हिंट हमें मिल रही है कि ट्राइनाटार ऐश पकड़ भी सकता है। तो हाँ, बड़े अगली अपडेट की तरफ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार मैं तुम्हें ऐसी कमाल की अपडेट्स देते रहता हूँ। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बड़े अगली अपडेट की तरफ, वो होने वाली है म्यू से रिलेटेड। तो हमको जब हमने एपिसोड नंबर 46 की कैरेक्टर लिस्ट चेक करी थी तो वहाँ पर हमको म्यू भी देखने को मिला था, तो जिससे 101% कन्फर्म हो जाता है कि म्यू हमको देखने वाला है एपिसोड नंबर 46 में। और हाँ, म्यू हमें देखने को भी मिला और वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, और हमें म्यू तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। और म्यू टू भी, और वहाँ पर लुकारियो और म्यू की बैटल भी हमें देखने को मिली थी। तो सच में एपिसोड नंबर 46 काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, और यार म्यू हमको फ्यूचर में फिर से देखने को मिलेगा ये कन्फर्म है। और गो से पकड़ भी सकता है, क्योंकि भाई उसकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है, वो उसका तो वो चाहता था कि उसका पहला स्टार्टर पोकेमॉन भी म्यू ही हो, लेकिन नहीं, उसने फिर रेबूट को ले लिया और फिर उसकी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो हाँ, मुझे लगता है कि म्यू हमें फिर से फ्यूचर में देखने को मिलेगा और गो से पकड़ भी सकता है। तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है। तो लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को भी लाइक कर दो जिससे मुझे पता चले कि तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है। तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका आंसर दे दो तुम्हारे स्क्रीन के सामने कौन सा पोकेमॉन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।